इंग्लिश टी20 ब्लास्ट 2022 शहीन अफरीदी मुजीबुर रहमान और रहमानुल्लाह गुरबाल टी20 ब्लास्ट से बाहर। टी20 ब्लास्ट 2022 कब से कब तक खेली जाएगी, कहां खेली जाएगी, कितने टीमें शिरकत करेंगी, कौन कौन से गैर मुल्की खिलाड़ी, कौन कौन से पाकिस्तानी खिलाड़ी, किन टीमों का हिस्सा है, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इंग्लिश टी20 ब्लास्ट 2022 25 मई से 16 जुलाई 2022 तक इंग्लैंड में खेली जाएगी, जिसमें 18 टीमें शिरकत करेंगी। शाहीन शाह, अफरीदी, मुजीबुर रहमान और रहमानुल्लाह गुरबाद टी20 ब्लास्ट से बाहर हो चुके हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश टी20 ब्लास्ट 2022 के गैर मुल्की खिलाड़ियों और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बारे में बात करें तो वारविक शायर में पॉल सेटलिंग, नेथन मैकएंड्रयू और कार्लोस ब्रैथवेट शामिल होंगे, जबकि डर्बी शहर में शान मसूद, सुनंगा लकमर और डस्टिन मेल्टन शामिल होंगे। डरहम के ऑस्कार में अस्टन टर्नर, डेविड बडिंगम और कीगन पैटरसन शामिल होंगे। वर्सिस्टर शायर के टीम में कोलन मुनरो, ड्वेन ब्राउ और मैथ्यू वेड शामिल होंगे। सोमरसेट के टीम में पीटर सिडल, रैली रूसो, मैड्रिन शाह और माचा डी लेंगी शामिल होंगे। सोसेस की टीम में जोस फिला, मोहम्मद रिजवान, राशिद खान, टीम सैफर और ट्रेविस हेड शामिल होंगे, जबकि सूरी की टीम में सुनील नारायण और किरण पोलार्ड शामिल होंगे। नॉटिंगम शायर की टीम में जैम पटिनसन, डैनी प्रेसन और डैन क्रिस्टियन शामिल होंगे, जबकि नॉर्थम्पटन शायर की टीम में जेमिनिशन और क्रिस लियन शामिल होंगे, जबकि मिडलसेक्स की टीम में जैसन बहरेंडूफ और क्रिस ग्रीन शहीन शाह, आफरीदी और मुजीबुर रहमान की जगह पर शामिल हुई है, जबकि यॉर्कशायर की टीम में शादाब खान, हारिस रऊ और फिन एलन शामिल होंगे। लेसेस्टर शायर की टीम में नवीन उल हक, जबकि हमेश रदरफोर्ड रहमानुल्लाह गुरबाद की जगह पर शामिल हुई हैं। लेंस शायर की टीम में डैनी विलास और टिम डेविड शामिल होंगे। कैंट की टीम में कैस एमन, जॉय लिंडी और मैट हेनरी शामिल होंगे। हम शायर की टीम में बेन मैकडरमॉट, नेथन एलियट और कैले एबर्ड शामिल होंगे, जबकि ग्लोसेस्टर शायर की टीम में मार्कोस हैरिस, जफर गोहर, नसीम शाह और ग्लेन फिलिप्स शामिल होंगे। ग्लेन मैकगोरन की टीम में कोलन इंग्राम, मिचेल नसीम और मानुस लबुशेन शामिल होंगे। ईस्ट एस की टीम में डेनियल सैम, सेमोन हर्पर और मार्सर टिकटी शामिल होंगे।